अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबको लेकर आई हूँ लजीज और चमकदार भुने गोश्त की रेसिपी, जो आप अपने घर में दावतों पर बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और जब आप इस रेसिपी को अपने किचन में बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके किचन में शादी का खाना तैयार हो रहा है। तो रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, डिटेल रेसिपी होने वाली है। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधे कप से कम ऑयल ले लिया था, आप घी भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो गया था, उसके अंदर मैंने एक बड़े साइज की प्याज थी जिसको मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है, इसको मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया और प्याज को मैं लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। ख्याल रहे कि कुछ लोगों का जो भुना गोश्त जब वो बनाते हैं तो उनको शिकायत होती है कि उनका जो गोश्त है वो काला हो जाता है। वजह यही है कि वो प्याज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कलर है सालन का वो ख़राब हो जाता है। प्याज यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गई थी, जो कलर चाहिए था लाइट ब्राउन वो कलर आ गया है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 400 ग्राम गाय का गोश्त। यहाँ पर मैंने बिना हड्डी का गोश्त लिया है, अगर आप चाहें हड्डी वाला भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने फ़िलहाल बोनलेस लिया है। तो इसको मैं जब तक फ्राई करूँगी जब तक कि गोश्त का कलर जो है चेंज ना हो जाए। प्याज के साथ आपने गोश्त को अच्छे से फ्राई करना है, अच्छे से भूनना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि गोश्त अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया था प्याज के साथ। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 टेबलस्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब जाएगा इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो हल्दी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इन दोनों चीज़ों को गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी, अच्छे से भूनूंगी, ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से फ्राई करना है गोश्त के साथ आपने इसको। तो देखिए अब जाएगा इसके अंदर 1 कप पानी, ताकि अदरक लहसुन भुनने पर आ जाए। 1 कप ही डालिएगा इस वक्त, ज़्यादा पानी मत डालिएगा सालन के अंदर। और 1 कप पानी डालने के बाद इसके अंदर जाएगा नमक हसबे जायका। मैंने यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून डाला है, आप हसबे जायका भी डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी जब तक कि अदरक लहसुन भुनाई पर ना आ जाए। तो देखें 7 से 8 मिनट हो गए थे और अदरक लहसुन भुनाई पर आ गया है। इसको अच्छे से हमने हाई फ्लेम पर भूनना है। देखिए भुनाई कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर चला गया है 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले का कच्चापन बिल्कुल से ख़त्म हो जाए। अब जाएंगे इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। आप मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। अब जाएगा इसके अंदर 2.5 गिलास पानी, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। अगर आपका गोश्त फिर भी नहीं गला इन 2.5 गिलास पानी में, तो आप बीच में चेक करते रहिएगा गोश्त को कि वो गला या नहीं गला, फिर आप पानी और डाल दीजिएगा। तो देखिए मैंने पकने के लिए रख दिया था गोश्त को। अब मैं चेक कर लूँगी कि आया गोश्त गला है या फिर नहीं गला। तो देखें यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ, एक बोटी तोड़कर देख लूंगी मैं कि गोश्त गला या फिर नहीं गला। तो 2.5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला था और यहाँ पर गोश्त अच्छे से गल गया था। ये बोटी आपके सामने मैंने तोड़ी है और ये टूट चुकी है। तो 2.5 गिलास में जो गोश्त था वो गल गया था। अगर आपका नहीं गला तो आप और ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने 100 ग्राम दही डाल दी है। मुझे ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद, इस वजह से मैंने 100 ग्राम डाली है। अगर आपके घर में खट्टा ज़्यादा खाया जाता है तो आप इसमें 125 ग्राम भी दही डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद मैं कवर कर कर इसको रख दूँगी। 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर कर रखूँगी ताकि जो सालन है वो भुनाई पर आ जाए। देखें सालन यहाँ पर भुनाई पर आ गया है। अब मैं हाई फ्लेम कर कर इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। मैं आपको अपनी पहले वीडियोस में भी बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि सालन की जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे सालन का टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। अब यहाँ पर मैंने 3 अदद सब्ज हरी मिर्च ले ली थी जो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, और इसके अंदर डाल दिया हरा धनिया। तो ये चीज़ें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा सालन लग रहा है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी और इसी में से मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया स्पून के अंदर। अब यहाँ पर मैंने एक अल्मोनियम फॉइल की कटोरी ले ली। अगर आपके पास अल्मोनियम फॉइल नहीं है तो आप किसी भी स्टील की प्याली में ये कोयला रख सकते हैं। कोयले को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था और सालन में से ही थोड़ा सा ऑयल मैंने निकाल लिया था और वही इसके ऊपर डाल दिया है। एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें यहाँ पर हमारा भुना हुआ दम
दम वाला गोश्त बिल्कुल से रेडी है और कितना मज़ेदार और जायकेदार लग रहा है ना, देखने में लग रहा है कि ये कितना फ्लेवरफुल है। तो ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप मेरी बनाई हुई चीज़ को ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक मुझे देंगे। तो उसके ऊपर मैंने डाल दी है जुलियन कट अदरक और एक रख दिया मैंने नींबू। तो रेसिपी पसंद आई तो अभी लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।